हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवा स्टाइल खजूर की खट्टी मीठी चटनी, जो शादी पार्टी में बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हलवाई की सीक्रेट्स और सीखेंगे हम खजूर की खट्टी मीठी चटनी बनाना। तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल हलवा स्टाइल शादी पार्टी हो वाली। तो आइए, खजूर की चटनी कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। खजूर की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए खजूर। ये मैंने 250 ग्राम खजूर लिए हैं, जिनके गुठले निकाल दिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी गुड़, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च जिन्हें हमें बड़े टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल को करेंगे अच्छे से गर्म। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई। राई अच्छे से चटक जाए उसके बाद हमें इसमें डालना है खड़ा धनिया, 1 चम्मच साबुत धनिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच जीरा, 1 पिंच हम हींग ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को हमें ज़्यादा सेकना नहीं है, कुछ सेकंड के लिए ही हमें इसे सेकना है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हरी मिर्च हमारी लगभग सिक चुकी है, इसमें हम अदरक को भी ऐड कर देंगे, ग्रेट की हुई अदरक को। कुछ सेकंड के लिए इसका भी कच्चापन दूर होने तक हम इसे भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कर देंगे हम इसमें काला नमक ऐड और स्वाद के अनुसार सादा वाला नमक ऐड कर देंगे। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे खजूर को, जिनकी हमने गुठली निकाल रखी है, इनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी, तो हमें आधा ग्लास पानी डालना है। पानी के साथ अभी हमें पकाना है। खजूर बहुत ही जल्दी गल के तैयार हो जाएगी, तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी। तो लगभग 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है और हमारी खजूर गल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। इसमें अब हम ऐड कर देंगे गुड़ को। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल शादी पार्टी वाली चटनी बनकर रेडी होने वाली है। बहुत ही यम्मी दिख रही है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और तैयार है हमारी खजूर की खट्टी मीठी चटनी, बिल्कुल हलवा स्टाइल शादी पार्टियों वाली। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस यम्मी रेसिपी को।
इसे आप पूरी, पराठे या चपाती किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे तरीके से एक बार खजूर की चटनी ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।